मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बाईपोलर डिसऑर्डर पर कुछ अर्जदाश्त करना चाहता हूँ। बाईपोलर डिसऑर्डर एक दो रुखी बीमारी है, इसमें डिप्रेशन और मैनिया दोनों एक साथ होते हैं। उर्दू में इनका तर्जुमा मैनिया जो है वो जुनून के नाम से जाना जाता है, और डिप्रेशन हम उर्दू में उदासी को कहते हैं। तो मुख्तसरन अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर एक मरीज़ पे बैक वक्त कभी जुनून और कभी उदासी के दौरे पड़ते हैं, और ये अमल जो है वो बार बार रिपीट होता है। और जुनून और उदासी की अलामत मुख्तलिफ होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर या दो रुख की बीमारी जो है, ये इसकी वजूहात अमूमन दिमाग में होने वाले केमिकल्स की तब्दीलियों की वजह से ये अमल पज़ीर वाक़ होता है। और इसकी अलामत में एक तरफ जुनूनी अलामत हैं और दूसरी तरफ उदासी की अलामत हैं। माहिरीन जो इसके साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो इसके माहिरीन समझे जाते हैं, उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की तीन किस्में बताई हैं, जिसमें एक किस्म में 7 दिन तक इसका दौरा पड़ता है, 7 दिन तक एक जुनूनी कैफियत तारी होती है और 7 दिन के बाद पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि दूसरी जो किस्म है उसके अंदर ये कैफियत 7 दिन से कम में होती हैं। और तीसरी जो कैफियत है, जिसमें तीसरी किस्म जो है उसके अंदर बैक वक्त जुनूनी और उदासी वाली कैफियत मरीज़ पे तारी होती है। जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक है, बाइपोलर डिसऑर्डर की क्लियर कोई वजह अभी तक डॉक्टरों को पता नहीं चल सकी, लेकिन देखा ये गया है और अंदाज़ा ये लगाया गया है कि वो दवाएं जो बाइपोलर डिसऑर्डर में इफ़ेक्टिव होती हैं, वो दिमाग के अंदर कुछ बाज़ केमिकल्स को बैलेंस करती हैं। तो इस बात पर ये बात नतीजा निकाला गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर दिमाग में कुछ केमिकल्स के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक काबिले इलाज बीमारी है। ऐसे ख़ानदान जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर विरासती तौर पर मुंतकिल हो रहा है, उन ख़ानदान के बड़ों और बुज़ुर्गों को चाहिए कि अपने नौजवान बच्चों की उन कैफियत पर नज़र रखें जिसमें वो बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से उनकी तशखीस या डायग्नोस हो सके। उसमें जुनूनी कैफियत और उदासी वाली कैफियत शामिल है। याद रखिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक काबिले इलाज बीमारी है, और इसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मरीज़ की हेल्प कर सकते हैं। इसमें साइकेट्रिस्ट जो हैं वो कुछ दवाएँ जिनमें एंटी डिप्रेसेंट और लिथियम शामिल है, वो इस्तेमाल करके मरीज़ की ज़हनी कैफियत पर मुस्बित असरात डाल सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसमें मरीज़ के साथ बात करके और उसकी कैफियत को न्यूट्रलाइज़ करके और बेहतर कर सकते हैं। इसमें कुछ रिसर्च ट्रीटमेंट भी की जा रही हैं दुनिया में। उसमें दिमागी पर इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते हैं, उसके अलावा दिमाग को मैग्नेटिक शुआओं के ज़रिए भी स्टिमुलेट किया जाता है। पाकिस्तान में पहला वाला रिसर्च मेथड तो अवेलेबल है, जिसमें शॉक लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक्स, लेकिन दूसरा वाला तरीक़ा अभी अवेलेबल नहीं है। वो तमाम ख़ानदान जो बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से परेशान हैं, वो फौरी तौर पर अपने मुआलिज यानी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें, चूँकि इसमें ये तमाम इलाज मरीज़ की सेहत और उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी मुस्बित असरात पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।